नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य मुख्य खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। कौन कहता है कि भगवान नहीं है और कौन कहता है कि सरकारी अधिकारी संवेदनहीन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कर दिखाया है आजमगढ़ मंडल में तैनात संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा ने, जिन्होंने जनपद के विकास खंड सठियाओं के महुआ गांव के निराश्रित कन्या का भवरनाथ मंदिर में कन्यादान कराया, तदुपरांत संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन भी कराया गया तथा गरीबों की शादी में अनुदान दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। उन्होंने कहा कि मंडल के तीनों जनपद में यदि कोई निराश्रित बेसहारा लड़की है तो सभी की शादी की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। उन्होंने भी बताया कि श्री हनुमान जी ने हमें आदेश दिया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के महुआ ग्राम विकास खंड सठियाओं की रहने वाली प्रीति के माता पिता दोनों ही दिवंगत हो गए हैं, जिससे वो बेसहारा हो गई है। कुमारी प्रीति का विवाह श्री ईश्वरचंद गुप्ता के साथ भवरनाथ मंदिर में संपन्न हुआ। श्री वर्मा की इस पहल पर टीवी 20 न्यूज उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता है और उम्मीद करता है कि ऐसे ही कुछ अधिकारी जनपद में हो जाएं तो न्याय व्यवस्था के साथ ही सामाजिक तानाबाना भी दुरुस्त हो जाता। टीवी 20 न्यूज से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा पीएन वर्मा संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ मंडल ने, वो आपको सुनवाते हैं। दिनांक 16/11/2021 को जनपद आजमगढ़ के भवरनाथ मंदिर में हो रहे सठियाओं जनपद सठियाओं विकास खंड की लड़की कुमारी प्रीति तथा ईश्वर चंद गुप्ता जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं के शादी समारोह में मेरे द्वारा भाग लिया गया और लड़की को यथासंभव सहयोग किया गया और ये आश्वासन दिया गया कि शादी अनुदान के रूप में जो शासकीय सहायता मिलती है वो दिलाई जाएगी, क्योंकि लड़की बेसहारा है, उसके कोई नहीं है, लड़का भी ठीक है, और आगे सभी के लिए भंडारे का आयोजन मेरे द्वारा किया गया और ये सभी को आश्वासन दिया गया कि यदि हमारे मंडल के तीनों जनपद आजमगढ़ मऊ तथा बलिया में इस तरह की कोई भी बेसहारा और निराश्रित लड़की है तो उसकी शादी की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ और जो शासकीय अनुदान है वो भी दिलाने के प्रयास करूंगा। इस कार्य में श्री हनुमान जी हमारी मदद करेंगे।